पेट्रोल भी हाफ टैंक है बाइक में, तो फुल करवा लेते हैं एक बार। देहरादून ही पहुंचेंगे सीधा उसके बाद। सो अ न्यू एडवेंचर बिगिंस। मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ आज। डे वन पे जो मुझे डिस्टेंस कवर करना है वो है 240 किलोमीटर्स एंड डेस्टिनेशन है देहरादून। 6 घंटे के आसपास लगने चाहिए पर मुझे 7 घंटे लग जाएंगे क्योंकि बाइक की मैंने अभी सर्विसिंग वगैरह कराई है। क्लच प्लेट चेंज हुआ है इसका, चेन सेट चेंज हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक को ज़्यादा तेज ना चलाऊँ, जितना आराम से हो सके उतना आराम से चलाऊँ। एंड यहाँ पे जाम लगते हुए देखते हैं, ज़्यादा तेज नहीं चलाएंगे, ज़्यादा रफ नहीं चलाएंगे, लेकिन हाँ स्पीड तो थोड़ा ठीक ठाक मेंटेन करना ही पड़ेगा 70-80 के आसपास। बाकी रोड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसी रोड्स आएंगी। जहाँ ख़राब रोड्स आएंगी वहाँ स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन ख़राब रास्ते पर मैं उतना रफ नहीं चलाऊँगा। अभी काफ़ी पैसे लगाए हैं बाइक पे, सोचा तो था मैंने मैं मॉर्निंग में 6 बजे तक निकल जाऊँगा, 4 घंटे लेट हुए निकलने में, तो कॉन्टिन्यू ट्रैफिक आता ना। अभी गर्मी भी इतनी हो गई है कि टेम्परेचर 30-31 तक जा रहा है दिन में, अगर ट्रैफिक होगा तो उसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा रनिंग ट्रैफिक मिले तो प्रॉब्लम नहीं होती है, हल्की हल्की हवा लगती रहती है। ये है गाज़ियाबाद का ट्रैफिक यार, ये क्या हो गया, आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वजह से डाइवर्जन दे रखे हैं छोटे छोटे, हेंस ट्रैफिक जाम। 227 किलोमीटर्स रिमेनिंग, अभी तो मैं घर से निकला ही हूँ, आधा घंटा भी नहीं हुआ और मुझे प्यास लग गई है। इधर किस चीज़ का जाम है यार, तो ये था अपना फर्स्ट टोल। 76 किलोमीटर्स अब अपने को इसी रोड पर चलना है। स्ट्रेट रोड्स काफ़ी बोरिंग होते हैं यार, बस एक्सरे पर देते रहो, ब्रेक भरते रहो। खतौली एंटर कर लिया मैंने एंड यहाँ से डिस्टेंस रह गया है 147 किलोमीटर्स। अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा 2 घंटे 50 मिनट और लगेंगे, मैक्सिमम 3 घंटे लगा लो, 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अभी हो रहा है 11:30, तो मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा मैं। मुजफ्फरनगर एंटर हो गया हूँ मैं एंड इसी रोड पे अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स मेरे को चलना है, देन सहारनपुर बाईपास आएगा। जाओ भाई जाओ, तुम भी जाओ। ट्रैफिक बहुत है यार, कतौली में भी था, मुजफ्फरनगर में भी है। लंच मैंने कर लिया है, अब मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा हूँ। ये सामने वाली बाइक पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है पीछे। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। मैं हूँ अभी सरस्वती विहार में। कल मैं अपने दोस्त के पास इधर पहुँच गया था एंड कल रात को मैंने उसके यहीं पे स्टे किया और अभी बस हमारी निकलने की तैयारी हो रही है। हम जा रहे हैं अभी बेस्ट गांव करके एक विलेज है यहाँ पे एंड वहाँ पे वाटर स्ट्रीम है, तो काफ़ी फेमस वाटर स्ट्रीम है, मेरे फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया मेरे को। एंड अभी वो जाके ही वहाँ पता लगेगा कि कितना पानी है वहाँ। एंड मेरा जो दोस्त है वो है ये, हेलो, इसका नाम विकेश है और हम दोनों ऑफिस से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने वो कंपनी छोड़ दी, अब ये यहाँ पे देहरादून में ब्रांच में इसकी पोस्टिंग हो रही है।
तो अभी देखते हैं वहाँ पे पानी कितना मिलता है। वैसे फेमस वो गांव है अपनी वाटर स्ट्रीम के लिए ही, तो देखते हैं अगर पानी अच्छा खासा हुआ तो हमें भी मज़ा आएगा, आप लोग भी मज़ा करना। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। अभी रास्ते में कुछ भाई लोग और अपने साथ जुड़ने वाले हैं। आजा चल शूज़ पहनते हैं। चलो विकेंद भाई ये बता हम वहाँ करने के बारे में। अरे भाई आज हम वहीं मस्ती करेंगे, फुल मस्ती दिन में। आज लंच वहीं होगा हमारा, चिकन खुद बनाएंगे, चिकन बना रहे हैं, चिकन भात दाल सब वहीं बनाएंगे भाई। आज आपको पूरा पहाड़ों का मजा लेके देंगे, आज पूरा पहाड़ों का मजा। आज हमारा जो लंच होने वाला है वो उधर ही होने वाला है वाटर स्ट्रीम के पास, तो देखते हैं चिकन विकन बनाएंगे वहाँ पे। और भी दो तीन भाई लोग कुछ रास्ते में मिलेंगे, विकेश के ऑफिस के फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो देखते हैं वहाँ पे चिकन विकन बनाते हैं, कैसा मज़ा आता है, लोकेशन कैसी है वो तो वहीं चल के पता चलेगा। बाकी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इधर आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी सारी काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसको इग्नोर करना। बाकी बाइक पे मिलते हैं, बाइक अपनी ये खड़ी है, रात भर से यहीं खड़ी है बेचारी। रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बाइक बहुत गंदी हो गई है, इसको पहले साफ़ करते हैं देन फिर बाइक पे मिलते हैं आपको। ये संडे के दिन तो खाली खाली है भाई रोड, संडे के दिन खाली रहते हैं देहरादून, यही तो शांति है देहरादून में बड़े भाई। अच्छा संडे को ये सारी दुकानें भी बंद रहती है मैक्सिमम ना? मतलब बंद ही रहता है। हाँ संडे पूरा एंजॉय करते हैं देहरादून के लोग। तो अभी आएगा सबसे पहले धर्मपुर चौक ना, धर्मपुर चौक आएगा ना, अभी सबसे पहले धर्मपुर चौक आएगा। ये रेलवे फाटक है, ये बंद हो रखा है तो ट्रैफिक है। कहाँ जा रहे हैं अंकल? सबर नहीं भाई सबर। चलो अपन इधर से जाते हैं, सबर तो हमें भी नहीं है। अभी ये नहीं पता है कि कुकिंग का सामान वगैरह ले रखा है कि नहीं उन लोगों ने, चिकन बर्तन और बाकी सारी चीज़ें, तो वो नहीं लिया होगा तो वो भी अभी लेना है रास्ते में, देन फिर चलेंगे सारा सामान लेके डेस्टिनेशन पे। बैग नहीं है तेरे बैग में? डाला तो है। अबे ब्लैक कलर का बैग नहीं था बड़ा, वही है। देख संडे को कितना। हाँ हाँ ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। अबे भाई जब मैं कल तेरे रूम पे पहुंच रहा था ना, तेरे जब पहले मैं तेरे ऑफिस आया था जब, वहाँ वो एक हाईवे से रहा, कच्चा पक्का रोड था, साइड में मिट्टी भी शायद, रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा था। इतना जाम था ना वहाँ पे, गाड़ियाँ 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 गाड़ियाँ, कहीं से ट्रैक्टर आ रहे हैं, कहीं से कुछ आ रहा है। ये पहाड़ों में एंटर करने में ना जो सुकून मिलता है ना, जब मैंने कल एंटर किया था ना वो चेक पोस्ट के बाद, पहाड़ जब दिखने स्टार्ट हुए भाई इतना मजा आया, मैं चेक पोस्ट पार करते ही एक या दो टर्न लेते ही रुक गया, मैंने वहां से तेरे को फोन किया था, इतना मजा आता है। तेल बचाओ भाई। बाकी ये जो लोकेशन है इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, ये मैंने फोटोज में और वीडियोस वगैरह में ही देखी है जगह, तो बाकी देखते हैं पहुंच के कि कैसी लोकेशन है। फोटोज और वीडियोज में तो बहुत ऑसम लग रही थी, एंड आज संडे है तो आई थिंक थोड़ी सी क्राउडेड भी होगी, वो तो चलते हैं, चल के ही पता चलेगा कैसा क्राउड है वहाँ पे। ये जगह है अनारवाला, अभी अनारवाला में हम, ये वैसे शॉर्टकट है, मेन रास्ता ये नहीं है वहाँ जाने का, मेन रास्ता दूसरा है, हम शॉर्टकट से आ रहे हैं। लोकल बंदे साथ में होना तो इसका फ़ायदा यही होता है कि उनको सारे शॉर्टकट, सारी अच्छी अच्छी जगह वो सब पता होती हैं। सामग्री अपन ने पूरी ले ली है, तो अपडेट ये है कि रॉ मटेरियल हमने सारा ले लिया है, रॉ चिकन ले लिया है, बाकी बर्तन वगैरह ले लिए हैं। आप जा रहे हैं सीधा लोकेशन पे, बाकी अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। मैंने अपनी बाइक इधर खड़ी करी है, यहाँ पे पूरा जो स्पेस है ये ऑक्यूपाइड था। हेलमेट ले लेते हैं, अब चलते हैं। ओके तो जगह तो मेरे को ठीक लग रही है, एक ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे है, फैमिली है आई थिंक, बच्चे भी हैं वहाँ पे, तो
वो तो पूरा पिकनिक बनाने आए हुए यहाँ पे, पूरा इंजॉय कर रहे हैं वो। मेरे जो साथी हैं वो कहाँ गए? वो जो ग्रुप है वो इस तरफ है, एंड मेरे जो साथ के लोग हैं वो आई गेस इधर तो नहीं है। भाई जाना कहाँ है? वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मेहनत देखो कितनी कर रही है, ये बैग में सारा सामान है। चलो चलो चलो, पीछे हमारे सर आ रहे, पीछे सर आ रहे। हाय सर। हेलो सर। जगह तो ये बहुत अच्छी है लेकिन क्राउडेड भी है, आज संडे है मे बी उस वजह से हो। ये देखो वहाँ आगे भीड़ दिख रही होगी, उधर भीड़ है आगे, काफ़ी लोग हैं। ये मोस्टली संडे होने की वजह से यहाँ पे इतना क्राउड है, वैसे जनरली इतना होता नहीं है। लकड़ियाँ इकट्ठा करने आए थे, मेरे तो एक हाथ में कैमरा है। अब यहाँ से जाना है यहाँ पे, भाई लकड़ियाँ इकट्ठी तो हमने कर ली हैं। ये देख मेरे दोनों पैर पानी में चले गए थे। हाँ इधर मैं उस तरफ ही आ रहा था, पैर दोनों पानी में चले गए। आज बनेगा तगड़ा चिकन। बर्तन वर्तन सब ले लिए, लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। शेफ कौन है आज का हमारा? आज का शेफ कौन है अपना? सुरजीत भाई। मैं सुरजीत। ये भाई ये टीएल है राजन, ये कह रहा है मैं कुछ काम नहीं करूंगा, लकड़ियां वकड़ियां सब लेके आओ, मुझे चिकन चाहिए बस। लकड़ियां ढूंढने जा रहे हैं, लकड़ियां कम पड़ गई हैं। आज संडे है एंड वीकेंड है तो इस वजह से ये जगह थोड़ी क्राउडेड है, आज यंगस्टर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि वीकडेज में यहाँ पे उतनी भीड़ होती होगी जितनी की अभी है, एंड हमें अभी भी लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। मिल रही हैं लेकिन गीली लकड़ियाँ हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम नहीं आएगा, मुश्किल है, ये कोयले से हो रखा है कि जो। हाँ हाँ आई थिंक ये लकड़ियाँ तो जल जानी चाहिए। ओ भाई आराम से, मैंने भी लकड़ी उठाई है, ऐसा नहीं है एक उठाई है।
टाइम हो रहा है शाम के 5:30, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर किसी को यहाँ पे आना है तो वीकडेज में आओ, वीकडेज में यहाँ पे आपको क्राउड भी नहीं मिलेगा, और अगर आप 2-3 लोग हो तो यहाँ पे आके आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, अपना खाना वाना बनाने का सामान लेके आओ, एक छोटी सी पिकनिक हो जाएगी आप लोगों की, और कुछ नहीं। एक जगह उधर गुच्छू पानी, उधर रॉबर्स केव है, कुछ केव्स हैं वहाँ पे, उनका नाम है रॉबर्स केव, तो उधर भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ऐसा वहाँ कुछ देखने लायक है नहीं, केव्स ही हैं, तो वहाँ मैं इसलिए नहीं गया, भीड़ काफ़ी होती है। बाकी अभी तो बस घर चल रहे हैं।